हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लिया है। इसके बाद में ये नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं आपको, कौन सा, डोबेराइनस ट्रायड्स के बारे में। ठीक है, 1817 में यानी 1817 में जॉन्स वोल्फगैंग डोबेराइनस ने, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एक नया रूल दिया, एक नया रूल बताया। वो नया रूल इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, इन्होंने इनके सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। इसके साथ में आइडेंटिफाई किया सम ग्रुप्स हैविंग थ्री एलिमेंट्स ईच, मतलब कुछ ग्रुप्स बनाए जिसमें थ्री एलिमेंट्स को लिया और उन थ्री एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, नया टेबल बनाया। ठीक है, वो जो थ्री थ्री एलिमेंट्स इन्होंने लिए, इसी एलिमेंट्स को इन्होंने क्या बोला, ट्रायड्स। ठीक है, ट्रायड्स डोबेराइनस शोड थ्री एलिमेंट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, वो जो थ्री एलिमेंट लिए उसके एटॉमिक मास के अनुसार एक नया टेबल बनाया और वो जो नया टेबल बना उसके एक रूल बताया। जो रूल बताया सबसे पहले उसमें कुछ एलिमेंट्स इन्होंने यूज में लिया, वो एलिमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। डोबेराइनस ने जो रूल बताया, रूल क्या था, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। अदर टू एलिमेंट्स में कौन कौन से हो गए, लिथियम और पोटेशियम, जो ट्रायड्स बनाए थे तीन तीन एलिमेंट्स के, और भी हैं इसमें एलिमेंट्स। तो सबसे पहला एग्जांपल था ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, जिसमें जो सोडियम का एटॉमिक मास है ये इनके दोनों के एवरेज के बराबर होने चाहिए, रफली एवरेज, यानी प्योर एवरेज भी नहीं हो सकता, पॉइंट का कोई डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो 39 एवरेज निकाले लिथियम प्लस किसका एटॉमिक मास, पोटेशियम का, तो 39.0 अपॉन 2, ऐड करो इसको तो 9 हो गया और इधर हो गया 45। ठीक है, 45, तो अगर इसको हम 9 को पॉइंट के इधर लेके आते हैं, ठीक है, सार्थक अंक जैसा कुछ बनाते हैं अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 46 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 23, या फिर डायरेक्ट अगर इसको डिवाइड करते हो तो पॉइंट सम पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये था अपना डोबेराइनस ट्रायड्स का रूल। इन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट और थर्ड है, यानी जो दोनों एलिमेंट है इनका जो एवरेज निकालोगे आप, वो एवरेज जो मिडिल एलिमेंट है उसके लगभग लगभग रफली इक्वल होगा। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स और बताए, वो एग्जाम्पल साथ अपन देखते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल है अपने, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, देखते हैं इसके ट्रायड्स कैसे बनते हैं। फर्स्ट लिया नाइट्रोजन 14 प्लस और आर्सेनिक का 74.9। ठीक है, इसको ऐड करोगे एवरेज निकालोगे तो 9 हो गया। ठीक है, 448718 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लगभग कितना आ रहा है, 44.5। ठीक है, ये समथिंग इसमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसीलिए बोला है कि रफली डिफरेंस होता है। फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो यहाँ पर, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक में 14, 31 और 74 में हमने ये ऐड किया, ऐड करने के बाद में जो आया अपना आंसर वो आया 44.5। इसीलिए ये बोला गया कि सेम इक्वल नहीं है, लगभग लगभग इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 31 है और यहाँ पे कितना है, 44 है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में कैल्शियम हो गया 40.1 प्लस बेरियम हो गया 137.3 अपॉन 2, इसको ऐड करो तो 31 कितना हो गया, 4 और 7437 और ये कितना हो गया, 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 2, डिवाइड करो उसको तो डिवाइड करने के बाद में ये कितना आ रहा है, 2 8 16, 2 8 16। ठीक है,
और बचा 1, ठीक है। तो ये 88.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये जो 88, ये लगभग इक्वल आ रहा है 87.6 और 88.7, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसके साथ में देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का अगर चेक कर ले तो क्लोरीन का है 35.5 प्लस आयोडीन का है 176.9 अपॉन में 2, ठीक है। ऐड करो 95 4 165 कितना हो गया 11 7 3 0 1 एंड 7 3 10 11 एंड 1 1 2, है ना। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 106.2। तो ये भी कितना आ रहा है इसके देखो इक्वल, सेम इक्वल तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो डोबेर एंड स्ट्राइड है, इन्होंने जो एलिमेंट्स के बताए ट्राइड्स जितने एलिमेंट बताए थे इसमें भी लगभग सिमिलरिटी नहीं आ रही थी, ठीक है। कुछ जो छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एलिमेंट बताया था उसमें लगभग इक्वल आ रहा था, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, इसमें लगभग इक्वल आ रहा, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बड़े होते गए जिनके एटॉमिक मास बढ़ते गए वहां पे इनका जो ट्रायड्स रूल था ये फेल हो गया। तो ये रूल फेल होने के बाद में एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनका रूल बताया कि ये सही नहीं है, इसके साथ में ही एक नया रूल दिया। तो जो नए वैज्ञानिक आए उन्होंने जो नया रूल दिया ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।